हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा मटर। तो इसके लिए लगेगा 400 ग्राम कीमा, 1/2 किलो मटर, 3 बड़े प्याज इस तरह से लंबे कटे हुए, 3 टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, ज़ीरा 1/2 चम्मच। अखे मसाले में तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा। और मैंने कुकर ली हूँ, कुकर गर्म हो चुका है। 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल में सबसे पहले खड़े मसाले, उसके बाद प्याज डालेंगे, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे सूखे मसाले डाल देंगे। एक कीमा डालेंगे, नमक, अब इसमें पानी डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 4 से 5 विसल तक पकाएंगे। पहली विसल में आंच स्लो फास्ट रखेंगे, उसके बाद आंच मीडियम टू स्लो कर देंगे। कीमा रेडी हो चुका है। कीमे को अब मैं कुकर से पतीली में डाल रही हूँ। मटर डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। और कुकर में पानी डालकर भी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ।
कीमा मटर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो वेजिटेरियन है वो इसे सोयाबीन कीमा के साथ भी सेम रेसिपी में बना सकते हैं। थैंक यू।